जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। आज एक बहुत ही बेहतरीन वाली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए, या कह लो हंटर 350 लवर्स के लिए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने एक बार फिर से सबको दिखा दिया कि भाई देखो, रेट्रो जो मार्केट है, रेट्रो बाइक्स की जो मार्केट है, उसका किंग मैं हूँ, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। और ये लगातार साबित कर रहा है बार बार। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि रॉयल एनफील्ड ने कितनी लंबी उछाल मारी है, लंबी छलांग जो है उसने मार दी है, और फिर से उसने ये काम करके दिखाया है। हुआ क्या है सारी बात बताऊंगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, और कुछ लिंक्स वगैरह भी हैं वहाँ से आप बाय करेंगे तो मुझे थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लेना दोस्तों। देखिए, रॉयल एनफील्ड एक काफ़ी पुराना ब्रांड है, बहुत सारे लोग उसको पसंद भी करते हैं। सेप्टेम्बर के महीने में रॉयल एनफील्ड ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। कैसे स्थापित किया है, चलिए थोड़ी आंकड़ों की बात करते हैं। रॉयल एनफील्ड ने सितंबर के महीने में अपनी 82,097 यूनिट्स जो हैं सोल्ड कर दी हैं। ये मैं सोल्ड की बात कर रहा हूँ, बुकिंग की बात नहीं कर रहा। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जब मैं यूनिट्स कितनी सेल हुई है तो उसमें बुकिंग जो इंक्लूड है वो कर रहा हूँ। नहीं, जो सेल हो चुकी हैं उनकी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बुकिंग की यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 82,097 यूनिट्स बेची हैं, जिसमें से 73,646 यूनिट्स सिर्फ इंडिया में सोल्ड हुई हैं जितनी बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड की, और 8,451 यूनिट्स जो हैं एक्सपोर्ट की है रॉयल एनफील्ड ने। और अगर मैं कंपेयर करूँ इससे, इन जो आंकड़ों को अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले साल के सेप्टेम्बर 2021 से, तो दोस्तों ये लगभग 170% का उछाल किया है रॉयल एनफील्ड की सेल में, मतलब 170% ज़्यादा सेल हुई है रॉयल एनफील्ड की। पिछले साल सितंबर 2021 में रॉयल एनफील्ड ने जो इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर जो यूनिट सोल्ड हुई थी वो हुई थी 27,233, और एक्सपोर्ट हुई थी 6,296। जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं वो ज़्यादा डिफर नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो डोमेस्टिक जो सेल होती है, मतलब हमारे देश में जो सेल हुई है, उनमें 170% ज़्यादा सेल हुई है। अगर मैं, आप कहो कि चलो पिछले साल तो कुछ कंडीशन ख़राब थी, तो अगर मैं अगस्त 2022 से भी कंपेयर करूँ ना, तो अगस्त 2022 में रॉयल एनफील्ड की इंडिया के अंदर डोमेस्टिक जो सेल है वो 62,892 यूनिट्स सोल्ड हुई थी, जो कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 10-11 हज़ार यूनिट जो है ज़्यादा सोल्ड हुई है इस महीने। और दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा जो हाथ है ना, बल्कि जो बहुत बड़ी जो बाइक है वो है हंटर 350। अब हंटर 350 जो लोग पसंद करते हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है इस समय, क्योंकि हंटर 350 का बहुत ही तगड़ा रोल है यहाँ पर। हंटर 350 की यूनिट्स जो है सुनने में जो आ रहा है, जो मुझे आंकड़े पता लगे हैं, 30,000 से 35,000 यूनिट्स जो हैं, 30,000 से 35,000 यूनिट्स जो हैं सिर्फ हंटर 350 की सोल्ड हुई हैं। कितने में से, जो ये टोटल 73,646 यूनिट्स जो इंडिया के अंदर सोल्ड हुई हैं, इसमें से लगभग 30-35,000 यूनिट्स जो हैं हंटर 350 की सोल्ड हुई हैं। सही, अभी बिल्कुल सही फिगर मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी वो डिस्क्लोज नहीं हुई है पूरी तरीके से, लेकिन इतनी ही यूनिट सोल्ड हुई है। तो हंटर 350 का जो रेस्पॉन्स है भाई, पूरा तकड़ा करके जो है इस टाइम चल रहा है, और काफ़ी सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं। क्लासिक 350 भी लगभग काफ़ी सारी यूनिट जो है उसने सोल्ड करी हैं, क्लासिक 350 ने भी। तो ओवरऑल एक रॉयल एनफील्ड के लिए इस समय गोल्डन पीरियड चल रहा है, अपनी हर महीने कुछ ना कुछ इंक्रीज जो है हर महीने बढ़िया हो रही है। और नई बाइक जो उसने लॉन्च की थी पहले, अभी कुछ समय पहले उसने फोर्ड स्क्रैम 411 वगैरह भी लॉन्च की थी, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन हंटर 350 ने कमाल कर दिया। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। और 350 सीसी सेगमेंट के अंदर कोई भी आसपास ऐसा नहीं है ब्रांड जो रॉयल एनफील्ड को टक्कर दे पा रहा हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल भाई जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद।